गुरुग्राम में आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की बैठक ली, जिसमें प्रदेश भर से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाओं ने हिस्सा लिया। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाओं ने आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में हिस्सा लेते हुए तमाम योजनाओं पर चर्चा की। इसके अलावा महिलाओं को मिल रहे सरकारी योजनाओं के फायदे के बारे में भी जानकारी एकत्रित की और किस तरह से और इसे बेहतर किया जा सकता है इस पर भी सुझाव दिए गए। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज प्रदेश भर में महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए लगातार सरकार की तरफ से कदम उठाए गए हैं। यही नहीं, प्रदेश की बहनें आत्मनिर्भर बन सके इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं शुरू की गई है। नमो ड्रोन दीदी की संख्या 15,000 तक पहुंच गई है, जिनको ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का जो टारगेट है उस पर भी बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है। मैं ये मानता हूं कि पहली बार मैंने देखा है कि महिलाओं का जो सशक्तिकरण किया है वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बड़ी गति से उन तक लाभ पहुंचे। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हमारी वो बहनें जुड़ती हैं जो बहुत नीचे से, जिनके पास काम खड़ा करने के लिए भी इनकम नहीं होती है। पूर्व की सरकारें कांग्रेस के समय के अंदर खाली योजना बना करके उसको छोड़ देते थे और वो इतने लंबे समय के अंदर जब से ये योजना बनी होगी मात्र 1,200 के करीब में सेल्फ हेल्प ग्रुप हरियाणा के अंदर थे, परंतु नरेंद्र मोदी जी की जो सोच थी कि हमारी उन बहनों को सशक्त करना है, उन बहनों को मजबूत करना है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा भी है कि हमने हर साल 2 करोड़ लखपति दीदी बनाना है और ये संभव भी हुआ है तो ये नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में संभव हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर किसी के पास मकान नहीं था उसको मकान बना करके देने का कार्य नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने गति से किया है। आज वो बहन भी लखपति की श्रेणी के अंदर चली गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक टारगेट और लिया है कि हमारी जो नमो ड्रोन दीदी 15,000, जिसको अभी किसान दीदी भी अगर उनको हम कहें तो वो किसानों के जो खेतों के अंदर ड्रोन से पेस्टिसाइड और खाद डालने का काम करेंगी, 15,000 बहनों को ट्रेनिंग देकर के उनको शीघ्र ही इस काम के अंदर लगाया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बहनों को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जोड़ा है 59,000 के लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर आज ग्रुप खड़े हुए हैं और उनको सशक्त मजबूत किया है। अगर कोई ग्रुप जुड़ता है उसके खाते में बिना ब्याज के पैसा पहुंचता है।